नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए कैड डिजाइनिंग में। यह है ऑटो कैड टूटी ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 39। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है, इसकी मदद से हम इसका ड्राइंग बनाएंगे ऑटो कैड में। इस डायग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो सबसे पहले हम गौर करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ सर्कल्स और आर्स की ही एंटिटीज है, यहाँ पे कोई भी लाइन वर्क बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बेस पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर हमने डायग्राम को गौर किया है तो यहाँ पे देखिए डाया 40 और रेडियस 30 की ही यहाँ पे तीन जगह पे सर्कल्स की पेयर्स अवेलेबल है। सिमिलरली बॉटम में भी सेम रेडियस सेम डायमीटर के दो दो सर्कल्स यहाँ पे अवेलेबल है, और इन सारे सर्कल्स को कॉमन आर्क जो है रेडियस 18 की ही फिलेट वैल्यू यहाँ पे मैच कर रही है फिलेट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ड्रॉ करने के लिए ऑटोकैड में। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वाले सर्कल के बेस पॉइंट से। तो लेते हैं सर्कल कमांड सी एंटर और स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट हम कहीं पे भी चूज करेंगे। लेते हैं रेडियस 30, रिपीटेड कमांड सर्कल सेम सेंटर के साथ, इस बार मेंशन करेंगे डायमीटर 40 मिलीमीटर। अब इस सर्कल को हमें कॉपी करना है टू द राइट साइड स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली, मेक श्योर हमारा ऑटो मोड ऑन हो। 150 मिलीमीटर हमें इसे राइट साइड में कॉपी करना है। अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट पे एक एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं अपसाइड 100 मिलीमीटर, तो हमें अपसाइड वाली सर्कल का सेंटर मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इस बार हम डिफरेंट ट्राई करेंगे, सेम सेंटर के साथ हमें अपसाइड में आना है और सेम वैल्यूज है सर्कल्स की, तो इन दो सर्कल्स को ही हम यहाँ पे राइट साइड में कॉपी करेंगे जो हमें मिडल में चाहिए, यानी कि 150/275 मिलीमीटर के लिए। तो परफेक्टली मिडल में हमारी एंटिटीज आ चुकी है। इन एंटिटीज को यानी कि दो सर्कल्स को हम मूव करेंगे टू द अपसाइड 100 मिलीमीटर के लिए। तो यहाँ पे हमने कोई भी लाइन वर्क नहीं बनाया, कोई भी रेफरेंस यहाँ पे कॉपी नहीं किया। सिमिलरली हमारे ऑब्जेक्ट को ही हमने कॉपी करके यहाँ पे मूव कर लिया है। अब लेते हैं लाइन टूल, हमें यहाँ पे बॉटम में रेफरेंस बनाना है जो है इस सेंटर के साथ डाउनवर्ड में 100+75 यानी कि 175। तो स्टार्ट करते हैं इस सेंटर के साथ स्ट्रेट वर्टिकली हमें लाइन ड्रॉ करनी है 175 यूनिट के लिए, और यहाँ से हमें राइट साइड में आना है। हमें यहाँ पे मिडल में आ चुके हैं और राइट साइड में आना है 100 मिलीमीटर के हाफ यानी कि 50 मिलीमीटर के लिए। तो हमें इस वाले सर्कल का बेस पॉइंट यहाँ पे मिल गया है। अब लेते हैं सर्कल और इस एंड पॉइंट के साथ रेडियस 25 का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, रिपीटेड कमांड सर्कल की सेम सेंटर के साथ डायमीटर 30 का और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इन दो सर्कल्स को हमें कॉपी करना है टू द लेफ्ट साइड स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली आना है 100 मिलीमीटर के। तो हमने यहाँ पे साइड के पूरे सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, रेफरेंस की जरूरत नहीं है, तो इसे हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब लेते हैं फिलेट टूल, एफ एंटर आर एंटर रेडियस के लिए, और इस बार रेडियस वैल्यू देंगे हम 80 मिलीमीटर। आउटर सर्कल्स को हमें ज्वाइन करना है और सारी फिलेट्स वैल्यूज जो है वो सिमिलर है, तो इसलिए रिपीटेड कमांड लेते हैं फिलेट एंटर करेंगे, इस बार इन दो सर्कल के बीच में एंटर रिपीटेड कमांड, इस बार इन दो सर्कल के लिए एंटर रिपीटेड कमांड, और यहाँ पे इस सर्कल के लिए एंटर रिपीटेड कमांड आ गई है, और यहाँ पे इन दो सर्कल्स के लिए हम फिलेट कर देंगे। अब लेते हैं ट्रिम टूल, TR डबल एंटर, और अनवांटेड एंटिटीज जो है हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए जो लाइन वर्क था हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सारी एंटिटीज को सिलेक्ट करके यहाँ पे लाइन वेट बढ़ा देते हैं इसकी 0.30 के लिए। अब लेते हैं सेंटर मार्क और सारे सर्कल्स के लिए जो आउटर सर्कल्स है उसे हम यहाँ पे सेंटर मार्क दे देते हैं। सेंटर मार्क्स को आपको जो पसंद है वो कलर यहाँ से आप दे सकते हैं। अब देते हैं डायमेंशंस, जो डायग्राम है उसी को हम फॉलो करेंगे लीनियर डायमेंशंस के साथ। सेंटर टू सेंटर वर्टिकल रेफरेंस 100, सिमिलरी 75, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस देना है 150, और बॉटम के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 100 का। अब लेते हैं यहाँ से डायमेंशन रेडियस, आउटर वाली सर्कल्स को हम यहाँ पे सारे रेडियस 30 का डायमेंशंस दे देते हैं।
सिमिलरली बॉटम में रेडियस 25 दोनों सरफेस के लिए। अब देते हैं आर्क का फिलेट वैल्यू यहाँ पे जो है 80, इस प्रकार से इसे हम सेट करेंगे इनसाइड की तरफ इस प्रकार से। अब देते हैं डायमेंशन डायामीटर जो रहेगा इनसाइड सर्कल के लिए डाया 40, सिमिलरली तीनों सर्कल्स के लिए डाया 40 और यहाँ से हमें मेंशन करना है डायमीटर 30 बॉटम वाले दोनों सर्कल्स के लिए। मेक श्योर कि हमने परफेक्टली यहाँ पे अलाइनमेंट रखी है हमारे डायमेंशन के लिए। तो इस प्रकार से हमारे डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए इसे जल्द से जल्द बनाने के लिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने इसे कितने वक्त में इसे कंप्लीट किया है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।